हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो एंड देन उसके बाद कमेंट भी करके बताते हो कि वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी, आपको का फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। आज की वीडियो होने वाली है ये जो गेम लोग क्रैश करता है, रिपोर्ट करने का एक मैसेज आ जाता है, ये वाला एरर है, तो इस पर वीडियो होगी, इसको कैसे फिक्स करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो आप लोग का गेम लूप इंस्टॉल है ना, पहले तो आप लोगों ने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करके रखना है, कहीं से भी इधर उधर से नहीं करना। गेम लूप डॉट मोबी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और 32-bit वाला वर्जन ही यूज़ करो आप लोग। मैं आप लोग को कोई दूसरा वर्जन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा लैग है, वो बीटा में उस पर काम चल रहा है 64-bit पे, तो मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग 64-bit पे फिलहाल जाओ जब तक मैं इस पर वीडियो ना बनाऊँ, जब तक ये फिक्स नहीं होता 64-bit। जिनके पास इंस्टॉल है यहाँ पर जाओ आप लोग, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, आप लोगों ने कंपैटिबिलिटी पे चले जाना है एंड देन आप लोगों ने यहाँ पर चेक कर देना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों ने कंपैटिबिलिटी मोड को चेक कर देना है, यहाँ पर आके आप लोगों ने विंडो 7 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करना है एंड इसको एडमिनिस्ट्रेटर से रन कर देना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने यहाँ पर 3 lines पर क्लिक करना है, अपडेट चेक पर क्लिक कर देना है, इसको देख लेना है आप लोगों का लेटेस्ट वर्जन यही वाला वर्जन आप लोगों के पास इंस्टॉल है तो ठीक है, इसको ओके कर देना है एंड आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाकर आप लोगों ने सेम ये सेटिंग रख लेनी है, आप लोग की जो भी कंट्री है आप लोग वो कंट्री सेलेक्ट कर दो यहाँ पर एंड इंजन में जाना है, आप लोगों ने यहाँ पर ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है। आप लोगों ने पहला चेक करना है, दूसरा चेक करना है, तीसरा अनचेक करना है, ठीक है। अगर 1GB कार्ड है अनचेक करना है, अगर आप लोग के पास 2GB या उससे अबव कार्ड है तो आप लोगों ने चेक कर देना है इसको। मेरे पास 1GB है तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन को चेक कर देना है, एंटी अलाइजिंग को ऑफ रखना है, मेमोरी को आप लोगों ने अपने पीसी के हिसाब से, ये सेटिंग में लैग फिक्स के लिए नहीं बता रहा, ठीक है, ये सेटिंग है। आप लोग का जो क्रैश होता है ना, आप लोग जब गेम भी खेल रहे हो तो लॉबी जाते हुए वापस या कभी कभार गेम में ही वो पबजी का आइकन आ जाते हैं, आप लोग को वो गेम से बाहर कर देता है, फिर आप लोगों को रीज्वाइन करना पड़ता है मैच को, ये उसके लिए भी फिक्स है, ठीक है। तो मेमोरी में आप लोगों ने अपनी मेमोरी का हाफ इसको दे देना है। प्रोसेसर का भी आप लोगों ने चेक कर लेना है, आप लोग के पास जितने कोर वाला प्रोसेसर है उसका हाफ कोर इसको दे देना है और रेजोल्यूशन में जाकर आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर देनी है 1366768। DPI को आप लोगों ने यहाँ पर 160 कर देना है एंड आप लोगों ने मॉडल में जाना है। मॉडल में अगर आप लोग का ये सिलेक्ट नहीं है तो आप लोग ROG 2 को सिलेक्ट कर लो। गेम में जाना है, आप लोग के पास 1GB का कार्ड है तो 720 खेलो, अगर 2GB 660 से अबव है तो आप लोग 1080 कर सकते हो। यहाँ पर आपने ग्राफिक क्वालिटी को स्मूथ कर देना है, स्मूथ पे आप लोग को मजा नहीं आता, ग्लिचेस आते हैं तो आप लोगों ने ऑटोमेटिक कर लेना है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा पहले स्मूथ करके चेक करो, आप लोग का क्रैश नहीं होगा, अगर फिर भी क्रैश होता है तो आप लोगों ने ऑटोमेटिक कर लेना है। देन आप लोगों ने FPS को 90 कर देना है एंड इसे सेव कर देना है। अब स्टेप 2 हमारा है, आप लोगों ने जाना है यहाँ पर टास्क मैनेजर पे, परफॉर्मेंस में जाना है आप लोगों ने एंड आप लोगों ने यहाँ पर CPU में जाना है, ठीक है। आप लोगों का ये वर्चुअलाइजेशन डिसेबल होगा, इसे आप लोगों ने इनेबल कर लेना है, कोई भी वीडियो देख लो, एरो वीडियो पड़ी है। देन आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। आप लोगों ने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, आप लोगों ने इसे क्लिक कर देना है एंड आप लोगों ने यहाँ पर ये हाइपर वी होगा, आप लोगों का ये चेक होगा, अगर आप लोग का ये चेक है आप लोग इसे अनचेक करो एंड ओके कर दो। देन उसके बाद आप लोगों ने कोई भी अपना डिफॉल्ट ब्राउजर ले लेना है, आप लोगों ने यहाँ लिख देना है ड्राइवर बूस्टर। जब आप लोग ड्राइवर बूस्टर लिख दोगे, इंटर कर दोगे तो आप लोग के पास ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है, इसे ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर जो फ्री डाउनलोड लिखा है आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, जब ये डाउनलोड हो जाए आप लोगों ने सिंपल इसे ओपन कर लेना है। ओके, आपके पास यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है, ये साथ में कुछ ये VPN इंस्टॉल कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर रहा है, तो आप लोगों ने इसको अनचेक कर देना है वरना ये दोनों भी इंस्टॉल हो जाएंगे इसके साथ साथ, और इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। I agree इंस्टॉल, आप लोगों ने उसी टाइम इसे स्कैन कर लेना। मेरे 14 ड्राइवर्स जो है ना वो अपडेट है ही नहीं, आप लोगों ने अपडेट नाउ पर क्लिक करना है, इसे अपडेट कर लेना है। ओके, सो मेरे सारे ड्राइवर अपडेट हो गए हैं, ये मुझे रिपोर्ट करने के बाद ये बता रहा है कि आपके सारे ड्राइवर जो है वो अपडेट हो गए हैं। आप लोगों ने इसको क्रॉस कर देना है उसके बाद एंड आप लोगों को यहाँ से भी ये क्लोज कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ये
और एक ये, दोनों को अनइंस्टॉल कर देना उसके बाद। देन उसके बाद आप लोगों ने दिस पीसी पर जाना है, राइट क्लिक करना है और मैनेज पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर मिलेगा, आप लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले अडेप्टर पे आना है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, देन ब्राउज पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगर ये कोई ड्राइवर आप लोगों का कोई इशू आए तो इसमें ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप लोगों को ये लाजमी कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है एंड इसको भी क्लोज कर देना है। आप लोगों ने सर्च पे जाना है, सर्च पे लिखना है ग्राफिक सेटिंग्स, यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। देन आप लोगों ने सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाना है जहाँ पर आपका गेम लूप है, ठीक है। आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, देन ऐड कर देना है। आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा ब्राउज पर क्लिक करना है। अब इस बार हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, गेम लूप पर हम लोग इसकी ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे, यूआई में जाएंगे। आप लोगों ने ये ईएक्स वाला बिल्कुल ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर ईएक्स को बिल्कुल ऐड नहीं करना होता है, यहाँ पर ईएन को ऐड करना होता है सिर्फ, ठीक है। ऐड कर देना है इसको, देन आप लोगों ने इसके ऑप्शन में जाना है, दोनों के हाई परफॉर्मेंस करके सेव कर देना है, दूसरे वाले के भी हाई परफॉर्मेंस करके सेव कर देना है। देन इसको क्लोज कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों ने विंडोज की प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है टेम्प, कंट्रोल ए प्रेस करना है और शिफ्ट डिलीट यस कर देना है, चेक करके कंटिन्यू कर देना है, दोबारा चेक करके स्किप कर देना है, जो डिलीट हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा, जो नहीं हो रहा है उसे रहना है। देन उसके बाद दोबारा विंडोज की प्लस आर प्रेस करना है, इस बार हमने परसेंट लगा लेना है, परसेंट टेम्प परसेंट, देन कंट्रोल ए प्रेस करना है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है। शिफ्ट डिलीट जब आप करते हो तो वो डायरेक्ट डिलीट होता है और रिसाइकलिंग बिन में नहीं जाता वो, आपका जो भी आप कुछ डिलीट करते हो ना, चेक करके स्किप कर देंगे। उसके बाद दोबारा एक बार और जाना है, यहाँ पर लिखना है पी आर ई एफ ई टी सी एच, कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है एंड कंट्रोल ए करके शिफ्ट डिलीट यस पर क्लिक कर देना, चेक करके स्किप कर देना है। अब ये फाइलें मैंने इसलिए डिलीट करवाई है क्योंकि आप लोगों के ड्राइवर अपडेट हुए, ड्राइवर जो अपडेट हुए उनका जो कैश था ना वो सारा टेंथ में पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपसे ये करवाया। एंड आप लोगों के पास कोई भी एंटीवायरस हो आप लोगों ने उसे डिसेबल कर लेना है। याद रखना ये बात कि आप लोगों ने 32 बिट करना है ना कि 64 बिट। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करना है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देखो। एंड अगर आप लोगों को सेंसिटिविटी चाहिए अच्छी सी, जो मेरी टॉप सीक्रेट सेंसिटिविटी है जिसे मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं, तो आप लोग वो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूं। लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।